चोला चाप के इलाज से जच्चा बच्चा की मौत, महिला की मृत्यु होने पर अस्पताल बंद करके भागी चोला चाप। परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। भक्तपुर थाना क्षेत्र के धुनपुरी, दौलपुरी और चांदपुरी, जाहिदपुर, फुड़ानपुर, अलीगंज, डूंगरपुर गांव में और कस्बा भगतपुर में चोला चाप डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हद तो तब पार हो गई जब पहले लाल पीली गोली देकर बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द आदि का उपचार कर रहे थे और आम आदमी यही सोचकर दवाइयां ले लेता था कि चलो शहर जाने से बच जाएंगे। परंतु अब तो चोला चाप डॉक्टर ने ऑपरेशन करना भी शुरू कर दिया और उसका आज रिजल्ट यह हुआ कि आज गांव वालों को देखने को मिला, जिसमें बच्चे के साथ साथ माँ की भी मौत हो गई। तब जाकर क्षेत्रीय लोग जागरूक हुए और बच्चे और महिला की मौत पर हंगामा करते हुए भगतपुर पुलिस को मौके पर बुलवाया और उक्त चोला चाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की। तब भगतपुर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए शव को PM के लिए मुरादाबाद भेज। क्या नाम और कहाँ के निवासी? मैं जैसा नाम है रोशनपुर बेहड़ी रहता हूँ। क्या घटना घटी है यहाँ पे? घटना ये घटी है, हमारा मरीज जबरदस्ती निकाला, हम मना कर रहे थे। कहाँ से निकाला? इसमें से शिफा हॉस्पिटल, शिफा क्लिनिक, शिफा क्लिनिक में से। कौन सी जगह है ये? है दोल धुनपुरी भवनिया। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा मरीज तुम्हारे सही है और लड़कियों के गले में हाथ डाल के हंसो अंदर को चला गया। मैंने दोबारा मां कही तो गाली दी और क्या कह, मैं वो उल्टी सीधी बातें कह रहा था मैं जा तेरा मरीज सही है, मुझसे 51,000 एक लिए, 27,000 की दवाई एक लगाई और सारी नवालिक लड़कियां हैं, सब मजे लेते हैं ऐसी। कितने दिन आपका मरीज रहा इसमें? 5 दिन रहा। हमने सब कानना में देखे, लड़कियों से मजे लेते रह करे, मरीजों को बहुत कम देखे करते थे। मैं कह रहा था क्या तबीयत सीरियस लग रही है मुझे, ले आन दो ना, नहीं मेरी जिम्मेदारी है सब। अब आपके मरीज के साथ क्या हुआ? हमारे मार के बाहर फेंक दिया ना, मैंने अंदर कही तो गाली देने लगे और ढकेल दिया बाहर को। वो कुछ ऊपर से गाली दे रहे थे और कुछ तले से गाली दे रहे थे। पुलिस कुछ नहीं करी, 16 नंबर वाले भी आए, उन्होंने फोन करा, उन्होंने कह रहे तोड़ फोड़ करने के लिए, हमने कुछ तोड़ फोड़ भी नहीं करी यहाँ और गाली दे रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मिस्कीन। ये मृतक कौन थी आपकी? भाभी। ये क्या घटना घटी है इनके साथ में? घटना क्या घटी कि अच्छी खासी हम यहाँ बुलाए थे, इन्होंने कहा कि नॉर्मल बच्चा करेंगे, नॉर्मल की बजाय इन्होंने बड़ा ऑपरेशन खोल दिया। इनसे मना करा, 5 दिन तक यहाँ रखा, 5 दिन तक इन्होंने गारंटी ली। और हाँ, हम सही करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। 45,000 रुपये एक बार ले लिए और 27,000 एक बार ले लिए, इतने पैसे लेने के बावजूद भी आज, और बिल्कुल 6,000 वो ले लिए, इतने पैसे लेने के बावजूद भी बिल्कुल जब आज खत्म हो गई तो जबरदस्ती निकाल दिया हमने। आप डिलीवरी के लिए लाए थे तो क्या इनका बच्चा और कोई? बच्चा बिल्कुल सही था, बच्चा भी सही था, ये भी सही थी। हम तो यहाँ से जब ही लेकर जा रहे थे, बच्चे की जिम्मेदारी ली, बच्चे की दोनों की जिम्मेदारी ली थी, तो इन्होंने हमें यहाँ से जान नहीं दिया। और हम तो खुद बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, खुद ने इन्होंने बड़ा ऑपरेशन करके उसे वो कर दिया, लड़की भी खत्म हो गई और खुद को भी खत्म करके आज 5 दिन के बाद निकाल दिया। अब डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या कहा? ये कहा था तुम्हारा मरीज सही हो गया, अपने घर ले जाओ इसे, और लाए और ला कर धक्के मार मार के निकाल कर बाहर लेके जाओ, नहीं यहाँ से, और यहाँ से कहीं अंतिया ले जाओ, गाली दे देकर बाहर निकाल दिया। जब आपको धक्के देके बाहर निकाला तो आपका मरीज ठीक था? ना, तो खत्म हो गई थी, वो में से झाग आ रहे थे, खत्म हो गए तो बाहर निकाला। हाँ, नींद की गोली दे दी है, नशे में है ये, हो गई थी खत्म। के दौरान झोला छाप के इलाज से मौत हुई, क्या है पूरा मामला? सूचना मिली थी कि भगतपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक डॉक्टर थे जिनके यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी भर्ती हुई थी, जिसकी 2 से 3 दिन पहले डिलीवरी हुई थी, एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई, और कल महिला की स्थिति और बिगड़ने पर उसको डॉक्टर ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया, जहाँ रास्ते में भी महिला की मृत्यु हो गई थी। और वापस परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही से इलाज किया गया, जिस कारण उसकी बच्ची की और महिला की मृत्यु हुई। इस संबंध में बॉडी को PM के लिए भेज दिया गया है और डॉक्टर के वेरिफिकेशन के लिए संबंधित अधिकारी के लिए भी लेटर भेज दिया गया है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, उसके झोला छाप की गिरफ्तारी थोड़ी करी गई? अभी कोई कार्रवाई? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, जो भी
जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर।